राम राम साथियों। बीसी साहब की आज सीएमओ में मीटिंग थी, तो उसका जो निर्णय आज आना था वो अब तक नहीं आया। उसका एक कारण ये भी है कि सीएम साहब आज जयपुर के अंदर मौजूद नहीं थे। पर इसका मतलब हम ये ना मान लें कि हमारी जो मांगे हैं उन पर सरकार गौर नहीं कर रही है और हमारी मांगे हैं जो पूरी नहीं हो। आज जो 9 दिन तक हमारी मेहनत चली है, ऐसा ना हो कि कहीं वो धीमी पड़ जाए और कल हम वहां पर मौजूद ना रहे। ठीक है, बीटीयू वाले जो अपने भाई हैं वो कल भी स्ट्राइक पर बैठेंगे और हमें उनका साथ देना है। अगर कल शाम तक हमारी मांगे अगर नहीं मानी जाती है तो सारे जो बीटीयू के कॉलेजेस के विद्यार्थी हैं, 16,000 विद्यार्थी, वो सब परसों भूख हड़ताल पर बैठेंगे। तो ऐसा ना हो कि हमारा जो हौसला है वो डिगमेगा जाए और हम ये सोचने लगे कि अब हमारी मांगे हैं जो पूरी नहीं होगी। बिल्कुल नहीं, हमें अपने जो साथी भाई लोग हैं जिन्होंने 9 दिनों तक 10 दिनों तक मेहनत की है, और जो बीटीयू वाले अपने भाई लोग हैं उन्होंने आज 14 दिनों से वो डटे हुए हैं 48 डिग्री 46 डिग्री तापमान के अंदर, तो उनके हौसले को बुलंद करने के लिए, उनके हौसले की अहमियत को समझने के लिए हमें कल फिर से आना है। उसी जोश और फुर्ती के साथ में हमें कल फिर से स्ट्राइक पर बैठना है। और अब हम इस मुकाम पर आ चुके हैं कि हमारी मदद करने के लिए दूसरी पार्टी के लोग, बड़े बड़े नेता लोग आ रहे हैं, हमारी तरफ झुक रहे हैं, मीडिया का भी ध्यान हमारी तरफ आ रहा है। तो ऐसा ना हो कि इस अंतिम कड़ी में आकर हम पीछे हट जाएं। हमारा विश्वास कमजोर नहीं होना चाहिए, अपने साथियों का हमें हौसला बुलंद रखना है। तो कल जितनी ज्यादा संख्या में आप आ सकते हैं आएं। अगर कल शाम तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती है तो परसों अपन सब एक साथ भूख हड़ताल पर बैठेंगे और साथियों युवाओं की जो शक्ति है युवा वर्ग के अंदर, उसको हमें पहचानना है और उसका परिचय हमें गवर्नमेंट को और जो ये पीटीयू प्रशासन है इससे हमारे जो जोश है उसे उनको भी परिचित कराना है। तो आप सभी से सादर निवेदन है कि कल सभी लोग इंजीनियरिंग कॉलेज अजमेर के जो भी छात्र छात्राएं हैं सभी से विनती है वो एकजुट होएं और कल के दिन के अंदर 8 बजे कॉलेज के गेट पर पहुंचे और अपना जो युवाओं की जो शक्ति है उसका प्रदर्शन करें। धन्यवाद।